Hey, what's up? This is Green Poly Games, your Green Poly Games के चैनल पे फिर से मोस्ट वेलकम। और सिंपल यहाँ पर आप देख रख सकते हैं जेनक्यू का यहाँ पर मेरे पास है कूलिंग पैड, मेरे को यही बेस्ट लगा यार। और सबको नहीं बता सकते कि क्यों मेरे लिए बेस्ट है, हो सकता है कि आपके लिए कोई और बेस्ट हो जाए, लेकिन मेरे लिए क्यों बेस्ट है तो सिंपल इसका अनबॉक्सिंग नहीं करते हैं। सिंपल यहाँ पर ये बॉक्स आता है पिज़्ज़ा टाइप का, उसके नीचे ये आता है कि भाई ज़बरदस्ती वाला हमको 5 रेटिंग दे दीजिए। कोई बात नहीं, ठीक है, बॉक्स आता है, उसके साथ ये ब्रेडेड केबल के साथ ये आपका USB 2 USB आ जाता है जिससे आप इसको पावर दे सकते हैं। सिंपल बात है, चलिए इस बॉक्स को पहले हटाते हैं। बहुत ही घटिया बॉक्स है, सॉरी। अब देखिए, अब आप बोलते हैं यार कि ये दो लाइट चल क्यों नहीं रहा, ठीक है, तो ये वीडियो देखो यार। सिंपल ये वीडियो थोड़ा हटके है, ठीक है, और सबके जैसा ये वीडियो नहीं है क्योंकि मैंने इसको डिसेबल किया। कैसे डिसेबल किया मैं आगे बताऊँगा, ठीक है। अब हम लोग सिंपल यहाँ पर आ जाते हैं, ऑटो फोकस को हटाते हैं। ये देखो बैक साइड में यहाँ पर दो दिया हुआ है इसको ऑफ ऑन करने के लिए, कम ज़्यादा, लेकिन मेरे को फ़र्क नहीं पड़ा कम ज़्यादा में, एक ही जैसा दिखता है लेकिन कुछ तो अंतर है। और दो USB दिया हुआ, तो यहाँ पर जैसे कि एक USB पोर्ट आपका यहाँ यूज़ हो जा रहा था, दूसरा आप यहाँ पर अपना ये कीबोर्ड को लगा सकते हैं। तो सिंपल यही दिया हुआ, कोई RPM वगैरह बढ़ता नहीं है। और हाइट इसका मेरे को थोड़ा सा डिमेरिट लगा क्योंकि एक मिनट यार, एक हाथ से सारा कुछ कंट्रोल करना मुश्किल है। ये हाइट वाला हो गया, दो हाइट है सिंपल। ये छोटा वाला है, छोटा वाला मेरे को पसंद नहीं है, ये बड़ा साइज़ का हाइट हो गया। इसको मैं ऐसे रख देता हूँ। देखो यार, अभी मैं एक और बात बता रहा हूँ कि ये पहले से ये दो फ़ैन मैंने डिसेबल इसलिए कर दिया कि इसका कुछ RPM बढ़ जाए और मेरा फ़ैन यहाँ पर यूज़ नहीं होता, ठीक है। ऑलरेडी ये मेरा पार्ट जो है यहाँ पर, ये लैपटॉप देख सकते हैं, ये पार्ट मेरा ठंडा रहता है और ये पार्ट मेरा हीट रहता है, ठीक है। MSI का लैपटॉप है, ख़तरनाक टाइप से गर्म होता है। इसको अंडरवोल्ट करके मैं चलाता हूँ तो कुछ FPS वगैरह कुछ नहीं घटता। अगर बोलोगे तो उसका वीडियो मैं अलग से बनाऊँगा अंडरवोल्ट बाद में, ठीक है। तो ये दो मैं डिसेबल करने के बाद इसका RPM भी तेज़ हो गया है सिंगल पे, यहाँ तक कि आप इसका आवाज़ भी सुन सकते हो। ठीक है, तो सिंपल यार यही आता है और कुछ नहीं आता। और मेरे लैपटॉप के लिए बेस्ट क्यों है मैं कोशिश करता हूँ दिखाने का मोड़ करके। ठीक है, ये देखो मेरे लैपटॉप में दो फ़ैन यहाँ पर, एक यहाँ और एक यहाँ, बाकी ये विंड है, ठीक है। तो सिंपल दो फ़ैन वाला जो रहता है, एक यहाँ घूमता और एक यहाँ घूमता, ठीक है, तो अच्छा से यहाँ पर नहीं जा पाता है उसका। तो सिंपल ये जो है, ये हमको लगता है कि सब लैपटॉप पे सेट कर जाएगा, ठीक है, इसी के लिए मैंने लिया। ये डिसेबल कर दिया कि फ्यूचर में अगर ये ख़राब होता तो मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ। यार क्या हो गया ऑटो फोकस, हाँ, तो इस फ्यूचर में भाई दबे ये ख़राब होता तो मैं इसके साथ रिप्लेस कर सकता हूँ। और मैं आगे का स्टेप में बताता हूँ, बहुत ही ईजी, बस दो पिन आपको हटा देना है इसका और इसका, खोज करके कौन सा है पर की को चेक करते हुए, बस सिंपल यही है। तो मेरे तरफ से यार ओके है, आप ले सकते हैं उसको। अगर आपके पास गेमिंग लैपटॉप या सिंपल लैपटॉप है तो आपके पास कूलिंग पैड होना चाहिए। अगर कूलिंग पैड नहीं है तो भाई आपकी वाट लगने वाली, लाइफ आपका कम हो जाएगा, ठीक है। तो कूलिंग पैड मस्ट चीज़ है यार आज के डेट में। सिंपल ये मैंने डिसेबल कर दिया है और मैं दिखाता हूँ इसको ओपन कैसे करना है। सॉरी यार, थोड़ा खांसी वांसी बहुत बड़ा हुआ है। ये देखो यहाँ पर ये जो है ना, ये पार्ट, इसको पूरा पार्ट को यहाँ से हटाना होगा। मैंने हटाया, मैंने वो प्रोसेस को स्किप कर दिया क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं था, हालत ख़राब हो गया मेरा। तो अगर आप चाहते हो तो कर सकते हो, अगर नहीं चाहते हो तो नहीं कर सकते हो। ये सब देखो, ये सब जो पार्ट है ना, ये यहाँ से हटा करके इसको ओपन कर देना है। उसके आगे बताता हूँ क्या करना है। उसके बाद ये पार्ट को आपको खोलना है। उसके लिए सिंपल मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर ये 3 स्क्रू दिखेगा, ठीक है, 1 2 3, इसको खोल लेना है, ठीक है। और सिंपल मैंने इस नेट को मैंने हटा दिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये आपको जो दिख रहा उभरा हुआ, पीछे से आपको हटाना पड़ेगा। उसके बाद आप इसको ऐसा खोल लीजिए और यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 आपका पिन दिख रहा है जिससे आप चाहें तो किसी को डिसेबल और इनेबल कर सकते हैं। और यहाँ पर इसको प्लग करने के बाद सिंपल फ़ैन चल रहा है, ठीक है। स्पीड वैसा ज़्यादा नहीं है जैसा कि है, लेकिन ठीक है, इतना फ़ैन का ठीक होता है, ठीक है। तो मैं ये दोस्त डिसेबल करूँगा तो उसके लिए आपको यहाँ से पिन निकाल के चेक करना पड़ेगा कि कौन सा डिसेबल हो रहा है, कौन सा इनेबल हो रहा है, ठीक है। मैं दिखाता हूँ थोड़ी देर में।
यहाँ पर ये देखिए, मैंने ये दो वायर को हटा दिया यहाँ पर, ये 1 और 2। अब इससे इसका आरपीएम भी तेज़ हो चुका है, ठीक है, पहले से कुछ ज़्यादा यहाँ पर एयर फ्लो दे रहा है। ये दो ऑफ हो गया, क्योंकि इसका मेरे को ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको मॉड कर सकते हैं, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये करना चाहते हैं कि नहीं। थोड़ा सा टाइम लगेगा, और ये आज ही आया मेरे पास, और आज ही मैंने इसको मॉड कर दिया था, सोचा मैं आप लोग के साथ शेयर कर लूँ, ठीक है। अब सिंपल मैं आपको इसका एलिवेशन दिखाता हूँ कि ये कितना हाइट पे उठ रहा है, ठीक है। पूरा पीछे तार का कचरा है, उसको इग्नोर करो, कोई बात नहीं है। ये देखिए आपका ये इतना एलिवेशन ये उड़ जाता है, ठीक है, ठीक है। काम चलाने के लिए और ज़्यादा होता तो मज़ा आता। और ये दो फैन मेरा क्लोज़ भी हो गया है, तो ये सही से काम कर रहा है, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, वीडियो अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक कीजिए। और देखो यार, ये माउस का भी मैंने रिव्यू बना के रखा हुआ, इसको भी देख सकते हो, मस्त माउस है, एकदम लाइट वेट, FPS के लिए तो बेस्ट माउस है, और माउस पैड भी मस्त है यार। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।